जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सीएए कानून लाकर जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई और बौद्धों के साथ जो न्याय किया है, ताकि जो धार्मिक प्रताड़ना से उनका समापन किया जा रहा था, उनको समाप्त किया जा रहा था, उनका कन्वर्जन करवाया जा रहा था, छोटी छोटी बच्चियों को घर से उठा लिया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन करा लिया जाता था और बड़े बड़े अधेड़ बुड्ढों के साथ बच्चियों के विवाह करवा दिए जाते थे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो पुण्य कमाया है जो एक पिता कन्यादान करके भी नहीं कमा पाता। लाखों हजारों बच्चियों का जो आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को प्राप्त होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो उन्होंने सीए लागू करके किया है। लेकिन यहां पर मैं अरविंद केजरीवाल जी का पहले ये वाला एक वीडियो देखिए, जो सीएए लागू होने की चिड़ में इन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में ये अपनी औकात, अपने शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। आप इस वीडियो को देखिए पहले। ये क्यों लाए हैं कानून, बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, 1.5 करोड़ लोगों को लाके और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती। आपके घर के पास मैं पूछना चाहता हूँ देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी आके झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे, सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। आसपास के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, सारे गरीबों को पकड़ पकड़ के, हमारे देश में कम गरीबी है क्या? तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, इसमें अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर सीएए लागू हुआ और वहां के लोग आएंगे इस देश में तो 1947 के बाद सबसे बड़ा माइग्रेंट होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को 5 करोड़ घुसपैठिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या नहीं दिखाई देते, जो भलसवा डेयरी या आपने सरिता विहार कालिंदी कुंज या आपने अन्य अन्य जगहों पर उन बांग्लादेशियों को नहीं देखा जो बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जो यहां पर घुसपैठ करके इस देश के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं, जो यहां पर आज भी आपने मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लो कितने सारे इनके अखबारों में आया होगा, बम बना रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, चकारियां कर रहे हैं, इसे बिल्कुल वो दिखाई नहीं देता। इसे ये नहीं दिखाई दिया कि शास्त्री नगर के अंदर एक 10-11 साल के बच्चे किंतर को मार दिया जाता है, लेकिन इनके सौमदत्त विधायक वहां पर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनका यही रोहिंग्या, यही बांग्लादेशी वोट नाराज हो जाएगा, जिनको ये सैलरी देते हैं मस्जिद के मौलवियों को, वो लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए इनके पेट में इस बात का दर्द उठा के कहीं अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का पारसी, बौद्ध, सिख, हिंदू अगर भारत के अंदर आ गया तो कहीं नरेंद्र मोदी का वोट ना पड़ जाए। नरेंद्र मोदी को वोट की आवश्यकता नहीं है, नरेंद्र मोदी के कर्म ऐसे हैं उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, लोग खुद जाकर उन्हें वोट देते हैं। सबसे पहली बात तो आज नरेंद्र मोदी के लिए जो चिड़ है वो देश की जनता से निकाल लें। और मुझे बड़ा अफसोस होता है और मुझे धिक्कार है इस वीडियो पे, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो दिल्ली की जनता है ना भाई, ये वाकई में ही इतनी लालची हो चुकी है कि इसने क्या किया है। एक छोटा सा हमने अभी एक और योजना निकाल दी, 1000 रुपए महिलाओं को देने वाली, हर वो हिंदू उन बच्चियों का जिन लड़कियों का लवजात के माध्यम से बलात्कार किया जाता है, उनका धर्मांतरण किया जाता है, किंतन जैसे बच्चों को शास्त्री नगर में मार दिया जाता है, छोटा सा एक बच्चा ब्रह्मपुरी के अंदर मार दिया जाता है जिसका नाम सागर है, वहां केजरीवाल जी नहीं जाएंगे। लेकिन केजरीवाल हर जगह जाएंगे, अगर यहीं पर किसी विशेष समुदाय किसी आदमी की हत्या हो गई होती तो ये जीव से चाटता हुआ वहां पहुंच जाता, क्योंकि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। लेकिन हिंदू समाज को इस बात से क्या लेना देना, उसे तो फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है और अब 1000 रुपए मिल रहे हैं। आप सोचिए आपकी औकात कितनी है, मात्र 1000 रुपए की, उन 1000 रुपए के लिए चाहिए केजरीवाल कितना भी गलत काम करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि ये लोगों को बोल देता है कि अगर वो देश के अंदर आएंगे तो बलात्कार करेंगे, वो लोग यहां पर दंगा करेंगे, लूटपाट बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं, लूटपाट और बेईमानी तो वो बढ़ी है जो यहां पर होती है भलसवा डेयरी के अंदर, जो कालिंदी कुंज के अंदर होती है, जो मेहरोली के अंदर होती है, जो इधर सीलमपुर सादरा की तरफ होती है, वहां जाकर देखो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। अरविंद केजरीवाल को
ममता बानो को शेख शहजाद दिखाई नहीं दिया, जो संदेश खाने वाला था, जो हिंदुओं की बच्चियों को जो सबसे ज्यादा पसंद आती थी उसको उठाकर ले जाता था, उस पर इनकी आवाज नहीं खुलेगी। क्यों नहीं खुलेगी? क्योंकि ये इनके अपने हैं। और हिंदुओं को तो खाले बिजली फ्री पानी में और 1000 रुपए में खरीद रखा है, वो तो बेचारा लालच में अंधे में एहसान का दबा हुआ हिंदू चुपचाप पड़ा रहेगा अपने ही समाज के हिंदुओं का कत्ल बलात्कार और धर्मांतरण देखता हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अरे हिंदुओं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर जो ऐसा कर रहे हो। अगर सच में ही तुम लोग ये कृत्य कर रहे हो तो याद रखिएगा, कन्या हत्या जैसा दोष लगेगा। अरविंद केजरीवाल जी सुनिए मेरी बात, 2014 से मैं बता रहा हूं इस बात को, भारत के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदू रह रहे हैं, बहुत सारे अभी अफगानिस्तान से भी लोग आए, किसी के खिलाफ भी एक भी कानूनी मुकदमा बताइए जिन्होंने किसी के घर बलात्कार किया हो, किसी की संपत्ति लूटी हो किसी पाकिस्तानी हिंदू ने? नहीं लूटी ना, लेकिन हजारों केस दिखा देंगे। ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या घुसपैठियों के जो बम बनाते पकड़े गए हैं, जो चोरियां करते पकड़े गए हैं, जो लफ्जियात पकड़ते पकड़े गए हैं, जो हत्याएं करते पकड़े गए हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको। हम दिखाएंगे आपको आईना और बताएंगे कि नरेंद्र मोदी कैसे जीतेगा। और क्या कहा था तुम्हारे INDI वाले ने कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, हम सब नरेंद्र मोदी का परिवार है। और अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब जब भारत के अंदर अब पहले वाली बात नहीं रही, तुम हमारे को बांट दोगे, हम सारे हिंदू खड़े होंगे और तुमको जवाब देंगे तुम्हारी ही भाषा में, और वो भाषा है वोट की। 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाकर तुम्हारे मुंह पर ये जनता थूक देगी। और तुम्हारे मैं सारे दिल्ली के खासकर और पंजाब के हिंदुओं से भाई हाथ जोड़कर विनती करता हूं भाई, क्यों इन हिंदुओं की बहन बेटियों के बलात्कार लफ्जियात में फंसे होने के, इन भाइयों की हत्याओं के लहू में, सम्मान में और बलात्कार में डूबी हुई रोटी, डूबा हुआ चंदा, डूबा हुआ फ्री बिजली पानी लेकर क्यों अपने समाज के को कलंकित कर रहे हो भाई? क्यों अपने समाज को कलंकित कर रहे हो? क्यों अपने पर दोष ले रहे हो? क्यों पाप ले रहे हो भाई? हम सनातनी लोग हैं, हम पाप पुण्य के लोग, पाप पुण्य को मानने वाले लोग हैं। गौ गंगा गीता और बेटी के दान को सर्वोच्च दान माना गया है। अरविंद केजरीवाल जी दिखाएंगे आपको वोट बैंक के माध्यम से। जय श्री राम दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।